subscribe, like, on and share my channel. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिसमस स्पेशल एगलेस शुगर कुकीज़ की रेसिपी, जो बनाने में बहुत इजी है, खाने में सुपर डिलिशियस होती है, और क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल होती है तो बच्चों को ये स्पेशली बहुत पसंद होती है। और आप इस क्रिसमस पर ये एगलेस कुकीज़ ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, इसको एक गुडी बॉक्स बनाकर भी उनको गिफ्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपसे अभी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बिना देर करे इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें मैंने 2 कप + 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी, मैंने 2 स्टिक अनसॉल्टेड रूम टेम्परेचर के बटर की ऐड की हैं। आप चाहें तो सॉल्टेड भी ले सकते हैं, बट यहाँ मैंने अनसॉल्टेड लिया है, और ये रूम टेम्परेचर पर है। ग्राम में ये 226 ग्राम होगा, और ये रूम टेम्परेचर पर है, तो मैं इसको अच्छे से इस मैदा में अच्छे से मिला लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने मिला लिया है, और इसमें मैंने 1/2 कप के अराउंड मैंने स्वीटेंड कंडेंस मिल्क लिया है। तो इसमें क्योंकि ये स्वीटेंड है, तो आपको अलग से इसमें शुगर ऐड करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और इतनी क्वांटिटी में ये बहुत ही परफेक्ट रहेगा कंडेंस मिल्क। और इसका जो स्वीटनेस रहेगा ना, ना ज़्यादा मीठा होगा ना ज़्यादा कम मीठा होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। बहुत ही लाइट मीठे की ये हमारी कुकीज़ रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो आइसिंग होगी वो ऑलरेडी शुगर की होगी, तो बहुत ही अमेजिंग बनेगी, और इसका एक परफेक्ट सॉफ्ट डो बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस डो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो मैं इसमें वैनिला फ्लेवर की बनाऊंगी, अगर आपके पास हो तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, मुझ पर नहीं था, तो मैं वाइट कुकीज़ रखूंगी, डिफरेंट शेप की बनाऊंगी। अगर आपके पास कुकीज़ कटर नहीं है, तो आप किसी भी नॉर्मल जो सर्कल शेप होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, जो नॉर्मल शेप्स आप इजीली कट कर सकते हैं, तो आप उनकी बना लीजिए। तो यहाँ मैंने थोड़े से कुकीज़ कटर का यूज़ करके अच्छे से कुकीज़ उसमें कट कर ली हैं डिफरेंट शेप की। तो ये मैंने जिंजर ब्रेड की कुकी कट कर ली है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप की कुकीज़ कट कर लीजिए, और इसकी जो मोटाई होगी ना कुकीज़ की, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जितनी छोटी और पतली कुकीज़ होगी, तो उतनी कम टाइम के लिए हमें बेक करनी होगी। तो ये बहुत ही मेरी मीडियम सी थी, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, तो मेरे को 15 मिनट इसको बेक करना पड़ा, और विद इन 15 मिनट में ना ये बहुत ही परफेक्टली बेक हो गई थी। तो देखिए, दूसरा डो मैंने इसमें कोकोआ पाउडर मिला लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर दिया है, जिससे कि रेड कलर के साथ साथ इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी आए। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से रोल कर लेना है, सेम ही उसी तरीके से मैंने क्या करना है, अच्छे से कुकीज़ कटर से इसको कट कर लेना है, वही डिफरेंट शेप की। तो यहाँ मैंने हेक्सागन, थोड़ा सर्कल, थोड़ा स्क्वायर शेप में ये कट कर लिए, तो कुछ इस तरीके से, थोड़ा स्टार शेप में। तो इस तरीके से मैं इसको भी बेकिंग ट्रे में प्लेस करती जाऊँगी, और इनको सेम एक टाइम में ही अच्छे से बेक कर लेंगे। तो ये चॉकलेट फ्लेवर की मैंने तैयार कर ली है, सेम जो थर्ड वाला पोर्शन था उसमें मैंने 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर मिलाया, और इस डो को भी तैयार कर लिया, इसमें थोड़ा सा ट्री के शेप में मैंने कट कर लिए। देखिए, मैंने सारी ये कुकीज़ में बटर पेपर के ऊपर प्लेस कर दी हैं, और बस मैं इसको बहुत ही कम टाइम के लिए बेक करूँगी। तो देखिए, मैंने कुछ सर्कल निकाले, तो ये फिलिंग के टाइम कुकीज़ बहुत अमेजिंग लगेंगी। तो ये मैंने केवल 10 मिनट के लिए मैंने इसको 340 फारेनहाइट पे बेक कर लिया था, और अब मैं इसको ठंडी होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आइसिंग से पहले इसका टेम्परेचर डाउन पे आना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमारी आइसिंग भी बिल्कुल ठंडी होगी, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल क्योंकि शुगर की आइसिंग होगी, तो ये पिघल ना जाए, क्योंकि गर्म कुकीज़ पे पिघल जाएगी, तो उसको रूम टेम्परेचर पे आने का वेट कीजिए, 1/2 घंटा ठंडा करके। अब हम इन कुकीज़ की आइसिंग करेंगे, और इनका जो बिल्कुल चेंज हो जाएगा आइसिंग करने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, और उसमें मैंने 1 कप ना पाउडर शुगर लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किया है, और बस इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। इसका थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ ना तो फिर वो निकल जाएगा, तो हमें इस तरीके का नहीं रखना है। तो इसमें अगर अभी इसमें थोड़ा हमें चाहिए रहेगा, और इसमें हम फिर से पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी जो चॉकलेट कुकीज़ थी, उसमें मैंने न्यूटेला ऐड करके उसमें फिलिंग उससे कर दी, और यहाँ पर मैंने जो हमारी जो आइसिंग शुगर थी ना, उसमें मैंने डिफरेंट कलर ले लिया, तो इसमें एक ग्रीन कलर का मैंने तैयार कर लिया है, और इस ग्रीन कलर से मैं ट्री वाले पार्ट में आइसिंग कर दूंगी,
कुछ इस तरीके से स्पून की हेल्प से मैंने सब में ही आइसिंग कर देनी है। तो दो तीन कलर का मैंने रेडी कर लिया है, वाइट, ग्रीन। देखिए कुछ इस तरीके से जो डिफरेंट कलर मैंने रेडी किए हैं और शेप के अकॉर्डिंग मैं उन पे प्लेस कर दूंगी। बाकी ये जितनी कलरफुल होंगी इसका ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी कलर किसी में भी कर सकते हैं और जैसा भी आपकी मन हो वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से किया, स्टार शेप में थोड़ा सा बिंदी बिंदी सी लगा दी, थोड़ा मैं किसी में फेस बना दिया, किसी में कुछ कर दिया, जिंजर ब्रेड के शेप में मैंने उसमें बस थोड़ा सा बटन के एरिया पे कर दिया, तो और थोड़ा सा मैंने इस पे स्प्रिंकल भी प्लेस कर दिया है, तो इससे और कलरफुल हो गई है। और इसको हम दो तीन घंटे के लिए ना ठंडा होने के लिए रख देंगे, और अगर आपके पास वैसे बॉक्स होते हैं ना पार्टीशन वाले, तो आप इसमें प्लेस करके अच्छे से इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो देखिए बस ये रेड कलर के हो गए हैं। मैंने पहले इसी तरीके से स्प्रिंकल की रेसिपी भी शेयर की थी, मैं आई बटन पे ऊपर आएगी तो मैं आपको शेयर करूँगी। और देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसकी जिंजर ब्रेड की ब्लैक कलर से आई बना दी है, और जितना भी हमारा ये आइसिंग बचेगा हम उस पर सब में प्लेस कर देंगे जिससे कि अच्छे से ये हो जाए हमारा। तो बस अब ये ग्रीन कलर का जो हमने इस पर किया, इस पर रेड कलर से हमने हल्की सी स्ट्रिप्स दे दी हैं जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगेंगी ड्राई होने के बाद। तो देखिए मैंने कुछ कुकीज़ पे अपनी चॉकलेट को अच्छे से माइक्रोवेव करके 30-40 सेकंड के लिए, और उसको मैंने कोन में भर के हल्का सा डिज़ाइन इसमें भी दे रही है चॉकलेट कुकीज़ में। तो बस हमारी अमेजिंग सी एगलेस शुगर कुकीज़ एकदम से रेडी हो चुकी हैं, और इसमें चॉकलेट का भी फ्लेवर आप किसी में भी दे सकते हैं। डेकोरेशन ये टोटली ऑप्शनल है, आपको किस तरीके की पसंद है और आप किस तरीके से अपनी कुकीज़ को डेकोरेट करना चाहते हैं। तो देखिए हमारी अमेजिंग सी कुकीज़ एकदम रेडी हो चुकी है, मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अमेजिंग बनी है ये जिंजर ब्रेड की कुकीज़। देखिए बहुत ही खस्ता बनी हुई है, सॉफ्ट है अंदर से, और इसमें हमने बहुत ही कम सा सामान यूज़ करके बहुत ही परफेक्ट कुकीज़ हमने रेडी कर ली हैं। स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें कंडेंस मिल्क के बाद थोड़ा ऊपर से हाफ कप के अराउंड पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये इतना रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये क्रिसमस स्पेशल शुगर कुकीज़ की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके आगे का बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इन्जॉय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, ऑन एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।